जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न आया था कि सर पाइल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन रहता है, तो आज की वीडियो में मैं इसका फ्री इलाज बताने जा रहा हूँ। बाकी जब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है तो उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी भी होता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि कोई मैं दवा आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको यह चीज़ बता रहा हूँ कि आपका दर्द गायब हो जाए, सूजन में कमी आए। तो आपको बताना चाहता है वो करना क्या होगा। आप दो तरीका कर सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप किसी पात्र में पानी को गर्म कर लीजिए, किसी पात्र में पानी को आप गर्म कर लीजिए, और जब पूरा पानी खौलने लगे अर्थात वाष्पित होने लगे, भाप बनने लगे, तो आप उसमें क्या करिए, फिटकरी डाल दीजिए। आप उसमें थोड़ा फिटकरी का पाउडर उसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो उसमें नीम की पत्ती भी कुछ डाल सकते हैं, और उसको डाल करके आप उसको क्या करिए, उसके भाप से बवासीर की सिकाई करिए। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि भाप से सिकाई करना है तो आप कोई बैठने का स्थान बना लीजिए और ईंटा या कुछ जोड़ करके आप ऐसा कि सुरक्षित रहे, क्योंकि देख लीजिए भाई पानी पूरा गर्म रहेगा तो आपके ऊपर पानी गिरे नहीं, समझ रहे ना, कि भाप से आप सुरक्षित तौर पर सिकाई करिए। आप देखेंगे कि चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दर्द जो है आपको बहुत जल्दी सेकंडों में उसे भाप के असर से वह दर्द आपका कम हो जाएगा। अगर आप सुबह और शाम दो बार सिकाई करते हैं, या आप जब शौच से निवृत्त होते हैं तो निवृत्त होने के बाद जब उसको उसके बाद आप इसकी सिकाई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ रिलीफ देखने को मिलेगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह हो गया कि कुछ पानी आप उसको क्या करिए, पानी गर्म कर लीजिए, फिटकरी उसमें डाल दीजिए, लेकिन वो पानी ऐसा रहे कि आप उसमें पानी में बैठ सकें। तो मान लीजिए कोई टब हो, कोई तसला हो, उसमें पानी को आप करके हल्का फुल्का शीत गर्म पानी रहे जो आपकी त्वचा सह सके, आप उस पानी में बैठ लीजिए। तो जब बैठने वाला पानी रहेगा तो वो एकदम थोड़ा सा शीत गर्म रहेगा, ऐसा नहीं कि आपका त्वचा झुलस जाए। आप उतने पानी रखिए जितना आप सह सकती है। आप पहले उसको टच करके देख लेंगे और तब आप धीरे से अपना उसमें पानी में बैठ जाएंगे, तो उसी गर्मी जो होगी उससे वह सूजन क्या होगा, आपको फिटकरी भी डाले रहेंगे तो सूजन इन्फेक्शन उसको क्या करता है, वो कम करता है। अब बाकी जो भाप वाला है तो भाप के लिए तो मैंने बताया है कि आपको पूरा जब वाष्पित होने लगे तो आप रख करके पात्र को अगल बगल ईंटा से आप घेर लीजिए। आप किस तरीके से आप उसमें बैठ, मतलब ऊपर से ऐसा करिए कि जिससे कि भाप उसको आप वहाँ उस स्थान पर लगे, क्योंकि सुरक्षित तौर पर आप अगर इसको लगाते हैं तो सेकंडों में आपका दर्द गायब होगा, सूजन भी गायब होगा बिना पैसे के। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।